हेलो नमस्ते नमस्ते हेलो हेलो नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। हमने कुछ डिशेस बनवाई है जिन पे हमें आपकी राय चाहिए, तो एक्चुअली आज आप हमारे फूड रिव्यूअर्स हैं। पर फूड रिव्यूअर्स तो प्रोफेशनल होते हैं ना? वो प्रोफेशनल्स हैं तो आप एक्सपर्ट्स, उनके पास डिग्री है तो आपके पास तजुर्बा है। एक आपको मैं मजे की बात बताती हूँ, ये आए थे सबके साथ मुझे देखने के लिए, उन्हें सिर्फ पसंद आए मेरे हाथ के बनाए हुए समोसे और इसीलिए शादी की। अब मेरे बच्चों को क्या चाहिए, उनके टेस्ट के अनुसार मैं थोड़ा खट्टा मीठा बनाती हूँ। तो शुरू करें फूड टेस्टिंग सेशन। रसम हाँ। ओंधियो चिकन कोशा मेरे घर से लाया है क्या? मैंने तो कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था। आई थॉट आई वुड एटलीस्ट गेट सम मेक्सिकन और इटालियन। हर साल संक्रांति के दिन कम से कम 10 किलो ऊंधियों बनाती हूँ। ऊंधियों में तो मैं ही एक्सपर्ट हूँ। हमारे शेफ्स ने आप ही की रेसिपीज को अपने तरीके से बनाया है, बस एक चीज बदल कर। आपको खाकर बताना है क्या बदला है। एंजॉय योर मील। आप लोग ने इसमें कश्मीरी मिर्ची डाले हैं और हम लोग ना वो गुंडू मिर्ची डालते हैं। नमक थोड़ा सा कम है और राजमा थोड़ा ज्यादा गल चुका है। गरम मसाला थोड़ा ज्यादा है। आधा कप तेल कम है। आप सभी ने ये तो बता दिया कि क्या कम ज्यादा है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि बदला क्या है। क्या बदला है भाई? तो चलिए हमारे शेफ्स को बुलाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने आपकी रेसिपीज में कौन सा इंग्रेडिएंट बदला है। शेफ, जब मैं घर में चिकन कोसा बनाती थी तो घर में सब लोग साथ में खाना खाते थे सिवाय इसकी, इसीलिए इसने ना गरम मसाला ज्यादा डाल दिया। इन माई डिफेंस घर के चम्मच और यहाँ पे ना थोड़ा डिफरेंस था इसीलिए। मगर क्या बदला है इसमें? को पता नहीं चला। एक तो अब उससे पढ़ ली सोती बोलची। उंधियों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? तेल। तो बस वही तो बदला है। ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल? चिकन कोशा से ऑलिव ऑयल? ओह माय गॉड। मुझे तो मालूम होता है कि ऑलिव ऑयल सिर्फ कॉन्टिनेंटल फूड में बनता है, बट घर के खाने में ऑलिव ऑयल फर्स्ट टाइम सच में बहुत अच्छा था।